हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जस्ट राइट में। दोस्तों आज हमारा जो सेशन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो दोस्तों जो भी भाई एस एस सी जी डी की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यह वीडियो होने वाली है। इसमें हमारे 150 क्वेश्चन हैं जीके के जो बिल्कुल SSC GD का निचोड़ है। अगर आप 150 क्वेश्चन इसमें से कर सक पाए, मतलब आप अगर 150 क्वेश्चन देख सकते हो तो इसमें से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, तो आपको कम से कम भी 15 से 20 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से ही आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के भी हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है हमारी जनवरी से लेकर जुलाई तक, आपको वो भी मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो पर, चलते हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर कोई भी जो वीडियो को देख रहा है, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दे, और अपने सभी स्टडी ग्रुप में जरूर भेज दे ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, बने रहना वीडियो पर, चलते हैं। टुडे टॉपिक ये हमारा मैंने लिखा है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, मिशन SSC JD फतेह। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है दोस्तों, ये या आपको याद रखना है, ये बहुत ही मोटिवेशन वाली लाइन है। ठीक है दोस्तों, जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, पहला क्वेश्चन, तकनीकी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तकनीकी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु को। दोस्तों ये आपको याद रखना है, तकनीकी शहर के नाम से किसको जाना जाता है? बेंगलुरु को जाना जाता है। तीन ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, पहला ऑप्शन आपका होगा सही। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा दो, लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दोस्तों क्या होगा आंसर इसका, टेम्स नदी। टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है, ये याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले एग्जाम में आ चुका है। दोस्तों अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हो तो ये SSC GD के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल वीडियो होने वाली है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, अगला क्वेश्चन दिया हमारा क्वेश्चन नंबर तीन, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? अवस्थित कह लीजिए दोस्तों या स्थित कह लीजिए, एक ही बात है। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में। क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी नागपुर। आप अगर वीडियो को स्किप करके देखना चाहते हैं या आप वीडियो को नॉर्मल पे नहीं देख रहे हैं तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए और आपके ऑप्शन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शो कर रखे हैं मैंने, इसका ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन दिया हमारा क्वेश्चन नंबर चार, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है हमारा पेरिस, न्यूयॉर्क, लिस्बन, जेनेवा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस। पेरिस हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे आंसर दिया, मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, यहाँ पे आंसर दिया। आप अगर फास्ट वीडियो को चला के देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आंसर है, ये क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, आपके माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था। अगर आप दो बार इस वीडियो को देखते हो, एक दो बार देख लेते हो, तो आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएंगे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा इस वीडियो से। मैं आपको दोस्तों बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, स्किप करोगे ज़्यादा, क्वेश्चन नहीं देखोगे तो आपके नुकसान होगा। अगर आप क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को देख के चलते हो तो इनमें से 15 से 20 क्वेश्चन आपके SSC JD में आने ही आने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्या दिया है हमारा, अगला दिया है यदि क्वेश्चन नंबर पाँच, यदि गोलकुंडा किला देखना चाहते हो तो निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको जाना पड़ेगा? दोस्तों सीधा सा पूछा है इसमें, गोलकुंडा किस राज्य में है? तो गोलकुंडा है हमारा आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर छः, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है।
ठीक है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है, ये क्वेश्चन अनुसंधान का एक क्वेश्चन हमेशा आएगा ही आएगा, 100 के 100% मैं लिख के दे रहा हूँ, 100% एक अनुसंधान का क्वेश्चन आना ही आना है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कितना 7, कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई? कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों यह हुई थी हमारी ऑप्शन नंबर सी में, दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और दोस्तों आप एक क्वेश्चन को दो दो बार पढ़िए या फिर आप दो बार वीडियो को देखिए तो आपके क्वेश्चन माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे दोस्तों। SSC GD में आपके 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इसमें से आएंगे आएंगे, 100% मैं लिख के दे रहा हूँ, आप इनमें से याद कर लेना, क्योंकि वर्ल्ड जी के कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड जी के। ठीक है, फिर आ जाते हैं राज्य में, कुछ क्वेश्चन आते हैं राज्य के, ठीक है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे मैं आपको करा रहा हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों बताइए, इंग्लैंड, स्टर्लिंग, वेटिकन सिटी, लोरा, सऊदी अरब रियाल, स्वीडन मार्क। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है, ये आपने देखा हो सऊदी अरब में रियाल चलते हैं, तो दोस्तों ये एक मुद्रा है कि किस देश में कौन सी मुद्रा चलती है? तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन है बी, वेटिकन सिटी में लोरा नहीं चलती, ठीक है दोस्तों ये आपको याद रखना है। सऊदी अरब में रियाल चलती है, स्वीडन में मार्क चलती है और इंग्लैंड में स्टर्लिंग चलती है, ठीक है दोस्तों ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हमारा, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने दिया? विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, वोल्टा ने, ऑप्शन नंबर ए वोल्टा हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, ये आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये दो बार वीडियो को जरूर देखें, मैं आपको बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, देखने के लिए फोर्स यू कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए मोस्ट वीडियो है ये, SSC GD के लिए, जो भी SSC GD की तैयारी कर रहा है उनके लिए मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगी पुणे में, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर कोई इंग्लिश में पढ़ना चाहता है तो आपको मैंने इंग्लिश लैंग्वेज भी इसमें सेलेक्ट की है, तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं इसको, दोनों लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश दोनों, कोई जिसमें आपको पढ़ना चाहे, जो आपको अच्छे लगे, जो आपके समझ आए वो उसमें आप पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है हमारा, आगे दिया क्वेश्चन नंबर 11, डोंग निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों डोंग किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, वियतनाम की। ठीक है, आपको यहाँ पे आंसर भी दिख रहे होंगे, आप यहाँ पे देखकर भी इसको वीडियो को चला सकते हैं, आगे फास्ट भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, बेहुला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों बेहुला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सॉरी डी, बिहार में, बिहार में यह त्यौहार मनाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आगे दिया है हमारा, निम्नलिखित में से क्या केवल कार्बन से बना है? क्वेश्चन नंबर 13 ये पूछा है, इन चारों ऑप्शन में से केवल कार्बन से कौन सी चीज़ बनी है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ग्रेफीन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आपको क्वेश्चन भी ऑप्शन भी पढ़ने हैं, जैसे आप अगर क्वेश्चन को पढ़ सॉरी ऑप्शन को पढ़ते हो ना, तो और फिर उनमें से उत्तर ढूंढते हो, तो आपको ये लगेगा जब आप एग्जाम में बैठोगे और आपके सामने वही क्वेश्चन आ जाता है, तो आप एकदम से उत्तर मारो कि ये तो मैंने पढ़ा था और आज का आंसर ये है, क्योंकि ये आपने ऑप्शन पढ़े थे गलत थे, तो जो ऑप्शन इसमें सही होगा वो आपको बहुत ज़्यादा जानने का और ये आपके गलत हैं। तो आपको दोस्तों एक एक ऑप्शन पढ़ना है, इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ईमेल का निम्नलिखित में से कौन सा छेद प्राप्तकर्ता की पहचान छुपाता है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा टू टू फ्रॉम CC BCC, ठीक है, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, BCC हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ईमेल का निम्नलिखित में से कौन सा छेद प्राप्तकर्ता की पहचान को छुपाता है? तो वो है BCC। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, दोस्तों हमारे 14 क्वेश्चन हो गए हैं, आप इनको याद करना जरूर जरूर, इसमें से आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं दोस्तों। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या है दियो, 15 क्वेश्चन है हमारा, मोबाइल कनेक्शन में प्रयोग होने वाला GSM में जी का क्या अर्थ होता है?
जीएसएम में जी का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों पहला हो जाता है पीडी, दूसरा हो जाता है ग्लोबल, तीसरा हो जाता है गीगा और चौथा हो जाता है हमारा ग्रिड। तो ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ये हमारे सभी गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आप याद रखना, मोबाइल कनेक्शन में प्रयोग होने वाला जीएसएम का पहला वर्ड, पहला अल्फाबेट जी का क्या अर्थ होता है, वो होता है ग्लोबल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस संख्या प्रणाली का आधार 16 है? निम्नलिखित में से किस संख्या प्रणाली का आधार 16 है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, तो दोस्तों सॉरी दोस्तों, इसमें हमारा जो है आंसर डी है, लेकिन वो थोड़ा क्या हुआ, मिसप्रिंट हो गया, इसको छोड़ देते हैं हम इस क्वेश्चन को, आगे चलते हैं। इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, 16 नंबर क्वेश्चन का कमेंट, सॉरी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा। और जो जो क्वेश्चन मिसप्रिंट हो रहे हैं, मैं उनके अलग से आंसर के सामने उनका उत्तर डाल दूंगा कि इस उत्तर का, इस सॉरी इस पर्सन का उत्तर ये था और इस पर्सन का उत्तर ये था जो मिसप्रिंट हुए थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पौधों की विविधता और सघनता में सबसे समृद्ध है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, गर्म उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, सजीवों और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध के इस अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है इकोलॉजी, इकोसिस्टम, ओटेकोलॉजी, साइकनोलॉजी। तो दोस्तों आंसर बताए क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, इकोलॉजी, ऐसा जीवों और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्या दिया है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 119। झीलों या तालाबों में वनस्पतियों और जीवों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? झीलों या तालाबों में वनस्पतियों के जीवों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है लेटिक बायोटा, लेटिक बायोटा, अबायोटिक बायोटा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप जो हमारे ए और बी क्वेश्चन है बिल्कुल सेम सेम लग रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी डिफरेंस है बस, इसमें और कुछ नहीं है, जो हमारी इसमें ई और ओ है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है, इसमें लेटिक के ऊपर अंक की बिंदी लगी है और इसमें अंक की बिंदी नहीं लगी है। तो दोस्तों ये इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से लिखा गया है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बिंदी मत भूल जाना, ये अंक की बिंदी मत भूल जाना, जो लैप अंक की बिंदी लगी है ये मत भूल जाना दोस्तों। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या दिया है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 6 जून, 5 जून, 6 अगस्त, 5 मई। तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 5 जून। ठीक है, यह याद रखना है आपको, ऑप्शन हो क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 5 जून। आगे चलते हैं, अगला क्या क्वेश्चन दिया हमारा, अगला क्वेश्चन दिया हमारा कथकली, क्वेश्चन नंबर 21। कथकली शास्त्रीय भारतीय नृत्य के प्रमुख रूप में से एक है, यह किस राज्य का नृत्य है? तो दोस्तों ये पूछा कथकली बताना दोस्तों किसका है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी केरल का हो जाएगा। दोस्तों मैंने नृत्य पे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बनाई है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल में अंदर जाकर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में मैंने एक एक टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां पर जाकर स्टैटिक जीके में नृत्य या फिर त्यौहार या फिर मेले, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नृत्य से आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों, नृत्य आपको मैंने पहले करा दिया, आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 22। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है और किस नदी पर स्थित है? मिर्जापुर पूछा है कि किस नदी पर स्थित है, यह उत्तर प्रदेश का एक राज्य है। तो दोस्तों यह हो जाएगा हमारा गंगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी गंगा पर मिर्जापुर स्थित है, गंगा किनारे पर मिर्जापुर स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। फाग नृत्य एक मौसमी नृत्य है जिसके माध्यम से कृषि संबंधित व्यक्ति अपनी खुशी और उत्साह व्यक्त करते हैं, और यह नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो दोस्तों बताइए, इसका ऑप्शन ऑप्शन हमारे हैं मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा हमारा सही हो जाएगा। आपको मैंने यहाँ क्वेश्चन भी आंसर भी दिया क्वेश्चन के, आप यहाँ पे जाकर इसको देख सकते हैं। अगर आपको अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीडियो को फास्ट कर लीजिए और आप यहाँ पे बार बार आपके यहाँ पे आंसर मिल जाएंगे, आप क्वेश्चन को देख सकते हो और आंसर को भी। और दोस्तों अगर जितने भी वीडियो को देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताएं वीडियो कैसी लग रही है आपको, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, और जो भी चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर 24। एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ है? ADB का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों हमारा? ऑप्शन है हमारा सिंगापुर, फिलीपींस, स्विट्जरलैंड, जापान। ऑप्शन सही होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया अगला क्वेश्चन हमारा? अगला क्वेश्चन दिया है मुद्रा अल्ट्रा मेगा पॉइंट पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 25, मुद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, गोवा में, केरल में। तो ऑप्शन है हमारा दोस्तों गुजरात। गुजरात हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या दिया दोस्तों हमारा? अगला दिया हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, किस राज्य में एक नए विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की, जिसे देश में सबसे बड़ा बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा हमारा हरियाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यह स्टेडियम बन रहा है, जो कि क्या है नए विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की गई है, तो वह की गई है मध्य प्रदेश में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा? अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 27। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 24 दिसंबर, 23 दिसंबर। तो आंसर दोस्तों हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 24 दिसंबर को उपभोक्ता अधिकार राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 28। द लाइट ऑफ एशिया द पोम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों एक पुस्तक भी पूछी गई है, पुस्तक की दोस्तों मैंने अभी कोई वीडियो नहीं कराई, लेकिन मैं पुस्तक की वीडियो जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां पर जाकर प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, प्ले लिस्ट में आप जाकर देख लेना। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? आंसर है हमारे नीलांकन अमीश त्रिपाठी, जयराम रमेश, फिर है सुरेश सिंह। तो हमारा ऑप्शन है सही सी, जयराम रमेश। दोस्तों ये आपको याद रखना, एक पुस्तक आएगी आएगी, एक नृत्य आएगा, एक मेला आएगा, एक 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 मैंने एक एक वीडियो बनाई हुई है, और मैंने उनसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लिए हैं। आप इनको सारे को बार बार रीड कर लीजिए, आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, मदन लाल शर्मा का निधन हो गया है, वह किस पेशे से संबंधित था? दोस्तों बताइए वह खिलाड़ी किससे संबंधित थे? तो ऑप्शन है हमारा, तो दोस्तों ये खिलाड़ी तो नहीं थे, ये एक पॉलिटिकन थे जो कि राजनीतिज्ञ थे। इसमें साफ साफ लिखा ये हमारा गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों हमारा? क्वेश्चन नंबर 30। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पिलानी। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा पिलानी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पिलानी। ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी में स्थित है, पिलानी, पिलानी में स्थित है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करते हैं। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और ये भी देखना पड़ता है कि कौन सा टॉपिक हमको तैयार करके ले जाना है, कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। ठीक है, आप वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक, और जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें आप शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा? अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 31। बिजली एवं विकर्म क्या है? तो ऑप्शन है हमारा थ्री व्हीलियर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, क्वेश्चन नंबर 32, गोल्डा मेयर कहाँ की महिला प्रधानमंत्री थी। गोल्डा मेयर कहाँ की महिला प्रधानमंत्री थी, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा इंग्लैंड, फ्रांस, श्रीलंका, इजराइल। तो दोस्तों हमारा आंसर है इजराइल, इजराइल की यह महिला प्रधानमंत्री थी। आगे चलते, आगे क्या दिया क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है हमारा खोरदाद साल किसका उत्सव है, खोरदाद साल किसका उत्सव है। तो दोस्तों यह हमारा आंसर हो जाएगा जैनों का, पारसियों का, सिखों का, बुद्ध बुद्धों का। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पारसियों का। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी पारसियों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या दिया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया है, हमारी राष्ट्रीय कैलेंडर की पहली तिथि ग्रीगोरियन कैलेंडर की किस तारीख के अनुरूप है। तो दोस्तों बताएं आंसर क्या होगा इसमें, आंसर है हमारा 22 मार्च 1950, 1 अप्रैल 1950, 22 मार्च 1957, 1 जनवरी 1950। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च 1957। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, आपको पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोलकाता, चेन्नई, आगरा, कानपुर। ऑप्शन है हमारा सही, सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों हमारा, सही ऑप्शन है हमारा चेन्नई। चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र स्थित है। दोस्तों एक अनुसंधान केंद्र 100% मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी के साथ, एक अनुसंधान केंद्र आएगा ही आएगा, आप याद रख लेना। अगर आपको जितने भी इस वीडियो में अनुसंधान कराए जाएंगे वो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी आप किसी भी अदर वीडियो में जाके या अदर बुक में जाके अनुसंधान पढ़ सकते हैं। वैसे अनुसंधान मैंने वीडियो डाली हुई है, आप वहाँ पे जाकर भी पढ़ सकते हैं अनुसंधान केंद्र कहाँ कहाँ पर स्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 36, अब कौन सा कैलेंडर दुनिया भर में सर्वमान्य है। बताइए दोस्तों 36वां क्वेश्चन आंसर क्या होगा, अब कौन सा कैलेंडर दुनिया भर में सर्वमान्य है। तो ऑप्शन होगा हमारा ग्रीगोरियन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला दिया है भारत का 37वां क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सभा भवन षणमुखानंद हाल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर। तो दोस्तों आंसर क्या होगा इसका हमारा, ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, सॉरी मुंबई, मुंबई हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या दिया है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भारतवर्ष में एसटीडी सेवा कब से शुरू हुई। भारत में दोस्तों एसटीडी सेवा कब से शुरू हुई, एसटीडी सेवा बताने दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1960 ईस्वी, 1958 ईस्वी, 1974 ईस्वी, 1952 ईस्वी। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, एसटीडी सेवा 1960 में शुरू हुई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों हमारा 39, वंदे मातरम गीत लिखा था जयशंकर प्रसाद नारायण ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बिरसा मुंडा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं जिन्होंने यह गीत लिखा था। अगला क्वेश्चन क्या दिया है 40, 1 नवंबर 1956 को गठित होने के पश्चात आंध्र प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीएम त्रिवेंद्री राव, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये याद रखना है आपको। दोस्तों इसके दो ऑप्शन कट गए हैं क्योंकि ये पीडीएफ थोड़ी मिस्टेक हो गई, जिससे कुछ क्वेश्चन बड़े थे तो नीचे चली गई। ठीक है चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 41, किस राज्य सरकार ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन शुरू किया है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा उड़ीसा, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी हरियाणा, हरियाणा
हरियाणा हमारा बिल्कुल सही आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगले क्वेश्चन की जब चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 42वां। 42वां क्वेश्चन में क्या लिखा है, ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? तो दोस्तों अतिचालक, रोधी, अर्धचालक, चालक। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चालक के रूप में यह कार्य करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 43। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्माण कराया था। तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो दोस्तों इसका आंसर बताइए, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मोतीलाल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 44। क्या है, सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट तापमान किस अंश का एक समान होता है? ऑप्शन है हमारा माइनस के 273 डिग्री, माइनस के 40 डिग्री, 32 डिग्री, 40 डिग्री। तो ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा सही, बिल्कुल ऑप्शन नंबर माइनस के 40 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है ऑप्शन नंबर 45। सर्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय कुसूत्र कौन सा है? तो दोस्तों बताइए, ऑप्शन नंबर हमारा हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम की घात -1 L3T2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है 46। गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल दोस्तों किसने बनवाया था ये आपको बताना है। सूरज सेन ने, मान सिंह ने, तेज करण ने, अकबर ने। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मान सिंह ने। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? अकबर ने, नूरजहाँ ने, जागीर ने, शाहजहाँ ने। तो दोस्तों आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नूरजहाँ ने। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला दिया है 48वां क्वेश्चन। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण स्थित है? ऑप्शन है हमारा दतिया, खुजराहो, ओरछा, ग्वालियर। तो सही का आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा, ऑप्शन नंबर ए दतिया सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 48 का। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया हमारा 49। 49 में क्या दिया है, नरसिंह प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? ऑप्शन है हमारे आइसोप्रीन, स्टाइरिन, वैन एसीटेट, प्रोपीन। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों हमारा, ऑप्शन नंबर ए आइसोप्रीन, आइसोप्रीन हमारा इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है? तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7/7 से कम। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, अगला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा नींबू, इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, रिपीट हो जाते हैं तो अच्छी बात है दोस्तों, बार बार रिपीट होते हैं तो वो हमें बार बार ही याद हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है 51वां। निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है बेंजीन, एंथ्रेसीन, नेफ्थलीन हो गया, फ्यूरॉन हो गया। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, फ्यूरॉन, फ्यूरॉन इसका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। 51वें का डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है 52वां। विद्युत परिसंक्रमण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है? ऑप्शन है हमारे कैथोड में, एनोड में, बर्तन में, फिर है हमारा विद्युत अपघटिया में। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैथोड में। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हम फटाफट क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं बस, हमें ये आपको एक बार नज़र में को निकालने हैं, अपने दिमाग में को निकालने हैं क्वेश्चन, आप जहाँ भी ये क्वेश्चन आएंगे आप एकदम से ईजिली तरीके से कर पाओगे। SSC GD में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी अदर एग्जाम जिनमें ऐसा सिलेबस होगा तो उनसे भी ये क्वेश्चन जरूर आपसे लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, निम्न में से 53वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो दोस्तों बताए, उत्पादक हिरण, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, द्वितीय उपभोक्ता घास, अपघटक बैक्टीरिया। तो दोस्तों अपघटक में बैक्टीरिया नहीं होता, ऑप्शन नंबर हमारा डी इज राइट हो जाएगा, यह आपको याद रखना है।
अगला क्या दिया है हमारा, अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 54, पागल सॉरी पोगल त्यौहार निम्नलिखित मास में मनाया जाता है। तो पोगल त्यौहार जो है दोस्तों वो कौन से महीने में मनाया जाता है, तो दोस्तों यह मनाया जाता है हमारा मार्च, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा, सही आंसर हो जाएगा हमारा जनवरी में। आगे चलते हैं, अगला क्या क्वेश्चन दिया हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर जनवरी है। पोगल त्यौहार किस माह में मनाया जाता है, वो मनाया जाता है जनवरी में। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 55, 55 में हमारा क्वेश्चन है, संकट ग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन है हमारा हरी, हरी, नीली, काली, लाल। तो दोस्तों आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लाल में। यह हमारा 54-55 क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया हमारा 55, ये तो हमारा होगा रिपीटेड क्वेश्चन है, रेड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन है हमारा 56 हुआ, 56 में लिखा है किस दिन को विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है, किस दिन को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 57वां, निम्न में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे पर द्वारा निर्देशित नहीं थी। ऑप्शन है दोस्तों हमारे ए पेथेर पंचाली, दूसरा एम एस सलाम बॉम्बे, ए पराजिता, चारुलता। तो दोस्तों आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सलाम बॉम्बे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हमारा 58, निम्न में से कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता। तो दोस्तों हमारे आंसर है विश्व पर्यावरण दिवस, फिर है हमारा दूसरे नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, सी है हमारा भारतीय वायुसेना दिवस, डी है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 59, 59 हमारा आंसर है, 59 में क्या दिया है दोस्तों, 59 में हमारा द स्टेट ऑफ नेशनल पुस्तक का लेखन कौन है। तो दोस्तों इसमें लेखक बताना है, द नेशन पुस्तक का लेखक कौन है। दोस्तों हमारा आंसर है कुलदीप नायर, थाली एस नारीमन, सी हमारा मार्क टुली, डी हमारा विनोद मेहता। तो दोस्तों हमारा डी ही सही हो जाएगा, सॉरी बी सही हो जाएगा, डी नहीं बी, बी सही हो जाएगा दोस्तों, तो गलती हो जाती है ऐसी बात नहीं है, तो बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, फाली एस नरीमन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों जितेंद्र सिंह ने, 60 हमारा क्वेश्चन है ये, जितेंद्र सिंह ने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम पर एक कॉफी टेबल बुक जारी की है, लेखक कौन है। तो दोस्तों दो तीन लेखक आपको याद रखने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने इस क्वेश्चन में इस वीडियो में लिए है, ताकि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहीं भी छूटे ना। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है पद्मा पाणी बोरा, पद्मा पाणी बोरा, अमीश त्रिपाठी, सी हमारा वी पट्टाभी राव, डी है हमारा आर सी भार्गव। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मा पाणी बोरा, पद्मा पाणी बोरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले को सीमा उसके किसी अन्य जिले को सीमा से नहीं मिलती। तो दोस्तों बताइए, ऑप्शन है हमारे अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादर एवं नागर हवेली। तो दोस्तों ये तो आपने भूगोल में पढ़ा होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो इसका आंसर नहीं है, चंडीगढ़ भी नहीं है, बचा हमारा पुदुचेरी, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली में ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा दोस्तों, पुदुचेरी हमारा बिल्कुल सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, केबुल लाम जाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो दोस्तों हमारा 62वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। तो दोस्तों आप इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं, AMTM से भी याद रख सकते हैं, ए से असम, एम से मेघालय, टी से मणि, सॉरी इसमें टी की जगह एम आ जाएगा, AMM, AMMM, AMM से इसको याद रख सकते हो, AMM, AMM इसके आप याद रख सकते हो, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है दोस्तों, वो तो हमारा सही आंसर होगा मणिपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों हमारा, अगला दिया है लेजर विकिरणों का किस प्रकार का पुंज है। तो
दोस्तों आंसर है हमारा असंगत तथा ए एक वर्णी, संगत तथा ए एक वर्णी, संगत तथा एक वर्णी, संगत तथा एक वर्णी। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर 64। किसी भी विस्तृत पर्ण स्प्रेडशीट में प्रथम कोष्टिका का पता होता है। तो ऑप्शन है हमारा A0, A1, 0A, A1A। दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, A1। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा A1। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से DBMS की पहचान बताइए। तो दोस्तों निम्न में से DBS की पहचान करनी है इनको कौन सी होगी। तो ऑप्शन है हमारे PL स्लैश SQL, MS Excel स्लैश MS Excel, MS Axis स्लैश MS Axis, MS PowerPoint स्लैश MS PowerJoint। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा, PL स्लैश SQL। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर 66। वह आंकड़ा संचय कौन सा है, वह आंकड़ा संचय कौन सा है जिसमें अभिलेखों की वृक्षाकार संरचना में व्यवस्थित किया जाता है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है हमारे संबंध परक आंकड़ा संचय, अभिलक्ष्य आंकड़ा संचय, जालक्रम आंकड़ा संचय, पदानुक्रमिक आंकड़ा संचय। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 67। किसने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैम्पियनशिप में 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीती है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिवराज पांड्यन ने, विष्णु शिवराज पांड्यन इसका पूरा नाम है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका क्वेश्चन क्वेश्चन आ सकता है उसमें पेपर में। चलते अगले क्वेश्चन पर। 68, 68 में क्या पूछा है दोस्तों हमारा, विश्व शिक्षक दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों शिक्षक दिवस बताना है किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है हमारे 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 69। 69 में क्या दिया है, किस बैंक ने वित्तीय समावेशन और साक्षरता पहल ग्राम संपर्क अभियान शुरू किया। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब नेशनल बैंक ने, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 70। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों यह आंसर हो जाएगा हमारा इंद्रिया मजा, सुष्मिता सेन, जोजी बिना टूजी, मधुरी दीक्षित। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मिस यूनिवर्स 2021 की खिताब और जितने भी पुरस्कार है 2022 से 21 के सभी मैंने आपको करा दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर इसको देख सकते हो, एक एक आपको पुरस्कार मिल जाएगा वहाँ, एक एक आपको मिस यूनिवर्स का खिताब और मिस जितने भी हमारे इसके खिताब हैं ये आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे उस वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा उसको जाके लाइक शेयर और उसको भी याद कर लीजिए, आपका उसमें से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रिया मजा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 71। तो अगले क्वेश्चन में दिया है मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा, मोहम्मद इकबाल का जो गीत है सारे जहां से अच्छा वो किसने संगीतबद्ध किया है। दोस्तों ऑप्शन है हमारा पंडित रवि शंकर ने, रवि आप इंग्लिश में देख लीजिए दोस्तों, ये कटी हुई है PDF, रवि पंडित शंकर ने, ये इंग्लिश में देख लीजिए, रवि पंडित रवि शंकर ने इनको संगीतबद्ध किया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा मोहम्मद इकबाल के, दोस्तों ये रिपीट क्वेश्चन होगा आप याद रखना, पंडित रवि शंकर ने इनको संगीतबद्ध किया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, अगला क्वेश्चन है आंसू के द्वार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी ल्हासा तिब्बत, ऑप्शन नंबर सी डी ल्हासा तिब्बत, ऑप्शन नंबर सी बाबुद मदब, ऑप्शन नंबर बी क्यूबा, ऑप्शन नंबर ए स्कॉटलैंड। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाब उद मदब। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए फटाफट करके। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा 73। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर POK
शहर की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों ये बताना, पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर पीओके शहर की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बालाकोट में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा राष्ट्र गीत लिया गया है, 74वां क्वेश्चन है दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए लेख भारत विधाता से, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संपादित पत्रिका तत्बोधिनी से। ऑप्शन सी हमारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास दुर्गेश नंदिनी से। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से। दोस्तों हमेशा आप आनंद मठ याद रखना है, आनंद मठ एकदम आए कहीं भी ऑप्शन में तो एकदम लगा देना है राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया, तो वो दे रहा है आनंद मठ से। आगे चलते अगला क्या दिया क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 75। आनंद वन एक कुष्ठ पुनर्वास केंद्र की स्थापना किस सामाजिक कार्यकर्ता ने की? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबा आमटे ने। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत है, ऑप्शन नंबर है हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जनगणमन अधिनायक जय, सी है जन जन भारत जनमन अभिनाता। तो दोस्तों डी है वंदे मातरम, डी ही हमारा सही होगा वंदे मातरम। 76 क्वेश्चन का डी आंसर सही होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है 77। बीरबल सानी क्या थे? तो दोस्तों उनका सही आंसर होगा वनस्पति विज्ञानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा 78। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय कौन है जो फार्मूला वन लीग में शामिल हुआ है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नारायण कार्तिकेयन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 79। जमशेद टाटा थे तो वो थे टाटा लो और इस्पात उद्योग के संस्थापक, बंगलुरु बंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के संस्थापक, सी है हमारा जिन्होंने मुंबई में ताज होटल बनवाया। तो दोस्तों ये हमारा डी ऑप्शन होगा, सभी सही है, ये जमशेद जी टाटा थे, इन तीनों ऑप्शन में यह नहीं थे। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है हमारा 80। यदि शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है तो दूसरा सबसे बड़ा पक्षी कौन है? तो दोस्तों ये तो सबको पता है कि बड़ा पक्षी कौन है छोटा कौन है, तो लेकिन ये भी याद रखना है कि दूसरे नंबर का बड़ा पक्षी कौन है। तो कीवी, कीवी तो हमारा सबसे छोटा हो गया, रिया रिया भी नहीं है, तो दोस्तों हमारा सही होगा डोडो, डोडो भी नहीं, डोडो एक बत्तख होती है। ऑप्शन नंबर सी एमू, एमू करके कोई पक्षी है, ये आपको याद रखना है, ये शुतुरमुर्ग से दूसरे स्थान पर है जो विश्व का सबसे बड़ा है। ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 81। 81 में क्या दिया है, विश्व की सबसे लंबी और सबसे व्यस्त रेलवे लाइन कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी और सबसे व्यस्त लाइन बतानी है, तो यह हमारी ट्रांस साइबेरियन, ऑप्शन नंबर बी, ट्रांस साइबेरियन रेलवे बहुत ही लंबी और सबसे ज़्यादा व्यस्त रेलवे लाइन है। आगे क्या दिया है, आगे दिया हमारा 82। अष्टादिग्गज निम्नलिखित में से किन शासकों से संबंधित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, कृष्णा देवराय, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा देवराय से संबंधित है। आगे चलते हैं अगला क्या दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया, खालिस्तान खालिस्तान की राजधानी है जो दुनिया का सबसे बड़ा राजधानी शहर है? तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ला पेज, ला यहाँ पे तो आ जाएगा ला पेज और इधर आ जाएगा बोलीविया, ला पेज बोलीविया की राजधानी है जो दुनिया का सबसे बड़ा राजधानी शहर है। आगे क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा 84। 84 में क्या है, खरीफ की फसलें बोई जाती है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है 85। विश्व के सबसे ऊंचे हवाई अड्डे का नाम बताइए? तो आंसर होगा दोस्तों हमारा येडिग हवाई अड्डा। दोस्तों यह क्वेश्चन अभी जो हाल ही में एक परीक्षा हुई थी अभी UP SSSC द्वारा फॉरेस्ट गार्ड की, जिसके फॉर्म 2019 में भरे गए थे और अब उसकी परीक्षा हुई है 21 अगस्त में। तो दोस्तों उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हमारा 86। चंद्रमा पर उतरने वाला व्यक्ति कौन था?
चंद्रमा पर उतरने वाला व्यक्ति था सबसे पहला? नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन दिया है खालिस्तान शहर। खालिस्तान नदी के तट पर स्थित असम की राजधानी है। तो दोस्तों असम की राजधानी बतानी है, असम की राजधानी क्या है हमारी? असम की राजधानी हमारी गुवाहाटी। गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। यहाँ जाएगा गुवाहाटी, यहाँ जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होगी, क्योंकि दोस्तों ये 75 क्वेश्चन है, 75 से भी ज़्यादा ही है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इन 75+ क्वेश्चन को आप करते हो ना, तो आप कम से कम 15 क्वेश्चन आपको SSC GD में मिल जाएंगे इनमें से। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि और किसी का भी फ़ायदा हो सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों? 88 खालिस्तान में तालिकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों खालिस्तान ने बताना है कि युद्ध कब लड़ा गया था तालिकोटा का। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1565 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। तालिकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला दिया है हमारा 89। 89 में क्या है हमारा? राजा रवि वर्मा थे। तो दोस्तों ये थे हमारे चित्रकार, ऑप्शन नंबर डी पेंटर। अगले चलते, अगला क्या है हमारा 90। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। अगला क्या क्वेश्चन दिया हमारा दोस्तों 91। 91 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तेलंगाना हैदराबाद की राजधानी है, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, ये रहता है हमारा दादर और नगर हवेली कवरत्ती। तो दोस्तों ये हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर सी डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्या है दोस्तों 92। 92 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा विषम संवर्ती सूची में शामिल है? तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है 93। भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पर एक दूसरे से मिलती है? तो दोस्तों मिलती है देवप्रयाग में, देवप्रयाग इसका सही आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगर दोस्तों ये पूछ ले कहीं क्वेश्चन में कि भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ से स्थित, कहाँ से शुरू है, भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ये बद्रीनाथ, ये हो जाएगा हमारा बद्रीनाथ से। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है, पूछ लेता है उद्गम स्थल कहाँ से है। चलते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है 94। 94 में क्या है? सिक्के, तनखा, शासागृह और सल्तनत काल के जटिल निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी, चांदी, तांबा, चांदी, चांदी, तांबा से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा 95। धौला सदिया ब्रिज भारत का सबसे लंबा पुल है, तो वह किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लोहित नदी पर यह ब्रिज स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हमारा 96। 96 में क्या दिया है? कुंडलाकार पैटर्न में नदियां बहती है। तो दोस्तों ये 96 क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा? ऑप्शन नंबर सी, वलिया की तरह। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया 97। भारत में सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफा क्रेमलित परा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में यह राज्य में स्थित है। अगला क्या क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों हमारा? अगला क्वेश्चन दिया है 98। 98 में क्या दिया है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 99। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह क्वेश्चन कौन सा है 99, तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्टेट बैंक SBI द्वारा सबसे बड़ा बैंक, भारत का सार्वजनिक सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? SBI। अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा 100।
कीर्ति स्तंभ के किसके द्वारा बना गया था? कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा बना गया था? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, राणा कुंभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 101। युद्ध के दौरान सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण पुरस्कार किसको दिया जाता है, मतलब कौन सा दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी परमवीर चक्र दिया जाता है। दोस्तों युद्ध के दौरान सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण पुरस्कार जो होता है वो परम चक्र होता है, परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वर्षावन में एक कैनोपी की छाया के नीचे उगने वाली वनस्पति को किस रूप से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे सही दोस्तों, अंडर स्टोरी के रूप में इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है? तो दोस्तों बताए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी चांदनी चौक। अगला दोस्त क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से किस न्यायाधीश पर पहली बार महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की है? तो दोस्तों ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जस्टिस रामास्वामी पर। दोस्तों हमारा बी सही हो जाएगा, बाकी दो ऑप्शन इसके नीचे छुपे हैं क्योंकि आपको बताया था जब जो क्वेश्चन ज़्यादा बड़े हो गए तो उसमें पीडीएफ हमारी थोड़ी सी कट गई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में यह अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगले पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो दोस्तों मेल जो गलत है वो हमको बताना है, अजमेर कुव्वत उल इल्जाम, जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल, गुलबर्गा जामा मस्जिद। तो ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए अजमेर कुव्वत इस्लाम। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? 107 का दोस्तों क्वेश्चन है, दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ अनुसंधान बहुत ज़्यादा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये या आपको याद रखना है, कहीं से भी याद कीजिए आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, बाकी मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इस वीडियो में करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी देहरादून में। अगला क्वेश्चन क्या है, सुनामी निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? सुनामी निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, जावरिय ज्वारिय तरंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी भी प्रख्यात भारतीय की जयंती के साथ नहीं जुड़ा है? ऑप्शन है हमारा शिक्षक दिवस, बाल दिवस, जयंती दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ऑप्शन सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, खालिस्तान को छोड़कर राज्य सरकारों का राजस्व निम्न स्रोतों में से लिखा लिया जाता है? तो ऑप्शन सही हमारा ऑप्शन नंबर सी कृषि आयकर से, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से यह लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 21 जून को यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सरोजनी नायडू के अनुसार कौन हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत था? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्या दिया है, 113। दोस्तों ये बड़ा क्वेश्चन है, इसके आंसर छिपे हुए हैं, मैं आपको वैसे बता दूंगा। निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में कौन सा मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को लगातार कार्बनिक प्रदूषकों पीओपी के बचाने का प्रयास करते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से कौन सी तिरंगे हवाओं को डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी लू, लू हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, अगला दिया है 115। मांटो रिकॉर्ड एक रजिस्टर है जो संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, इसके तहत उन आर्द्र भूमियों को शामिल किया जाता है जो मानव जनित गतिविधियों खतरे में है अथवा आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस देश ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वेलिंग आयोग की सदस्यता छोड़ दी और हेटिंग वेहेल को फिर से शुरू किया?
सही आंसर होगा हमारा जापान। जापान इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, शाहीन एट पाकिस्तान और किस देश के बीच सैन्य संयुक्त अभ्यास है। तो दोस्तों सही आंसर होगा चीन। चीन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 118। चंद्रशेखर द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश। हरिवंश सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 119। छठे भारत जल सप्ताह IWW 2019 के लिए कौन सा देश भागीदार देश है। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। जापान इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हमारा वर्ष 2019 के अधिकार। आजीविका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटा थुनबर्ग को। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट किस शहर से स्थापित किया गया है। दोस्तों सही आंसर होगा जमशेदपुर से। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, गुजरात में आनंद किस लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में आनंद किस लिए प्रसिद्ध है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दुग्ध उत्पादन के लिए गुजरात में आनंद प्रसिद्ध है। अगला क्या दिया है, सूचना प्रौद्योगिकी में HTML का क्या अर्थ है। सूचना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों याद रखना, सूचना प्रौद्योगिकी में HTML का क्या अर्थ है। तो दोस्तों सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, DRDA शब्द का पूर्ण रूप क्या होगा। तो ऑप्शन है हमारा डी, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट, ये आपको याद रखना है। आपको क्वेश्चन ये आ सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, 125। भारत ने अपना नाम किसके व्युत्पन्न किया। तो दोस्तों सही आंसर होगा हमारा डी, बौद्ध मठ के द्वारा। आगे क्या दिया है, पिछले 4 महीने का करंट अफेयर, पिछले जो 4 महीने के दोस्तों करंट अफेयर है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जिनका लाइव टेस्ट मैं आपको करा रहा हूँ दोस्तों। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आने वाली जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उनमें करंट अफेयर आपकी आनी आनी है। कौन कौन सी करंट अफेयर है चलते हैं देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दें हमारा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर एक, समोआ देश की पहली प्रधानमंत्री कौन बनी। तो दोस्तों आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फियामे नाओमी माताफा। बहुत ही एकदम से अजीब सा नाम है, याद रखना है आपको ये। दूसरा क्वेश्चन हमारा, विश्व हेपेटाइट्स दिवस किस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो सही आंसर होगा 28 जुलाई को। अगला क्वेश्चन क्या है, 28 वर्षीय गुजरात की पहली लाइसेंस प्राप्त नागरिक महिला स्काई ड्राइवर बनी है। ऑप्शन नंबर डी, श्वेता परमार। अगला क्वेश्चन है, 28 वर्षीय गुजरात की पहली लाइसेंस प्राप्त नागरिक महिला, ये तो दोस्तों क्वेश्चन रिपीट होगा, इसका आंसर डी है। चलते अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो दोस्तों यह हुआ है मुंबई में, यह आपको याद रखना है, हाल ही में यह हुआ है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सेरेंडी पीटी से फिर जो विश्व का सबसे बड़ा नीलम पत्थर है कहाँ पाया जाता है। तो यह पाया जाता है श्रीलंका में, श्रीलंका इसका बिल्कुल सही सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। आगे, भारत में कितने बाघ अभयारण्यों को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता मिली है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 14। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ई रूपी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, भारत का पहला हार्ट फेल्योर बायोबैंक कहाँ शुरू किया जाएगा। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, केरल में, केरल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला दोस्त क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हमारा,
किस राज्य सरकार ने मिशन निर्यातक बनो लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दोस्तों सी, राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों हमारा, कौन सा राज्य भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो ऑप्शन है हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निर्देशक कौन बनी? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धराती बनर्जी। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को कब शुरू किया गया? इसका आंसर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला करंट अफेयर का दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में एजी हब नामक कृषि नवोन्मेष हब का उद्घाटन हुआ है? तो इसका दोस्तों आंसर होगा तेलंगाना। किस शहर में क्लीन सिटी ऐप लॉन्च की गई है? तो दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा बी, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल स्विमिंग लीग के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय तैराक कौन है? तो दोस्तों सही आंसर होगा साजन प्रकार, ओ साजन प्रकाश सी सही ऑप्शन होगा हमारा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया हमारा, किसने पेरिस में आयोजित नोई सील इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट जीता है? सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पी एनियान ने। अगला दिया है हमारा, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला लग्जरी क्रूज लाइनर कौन शुरू करेगा? ऑप्शन है हमारा सी, मर्चेंट नेवी, मर्चेंट नेवी इस लाइनर को शुरू करने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है, दुबई का 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फर कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर है हमारा डी सही, जीव मिल्खा सिंह। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के लिए एक ब्रांड सोन चेरिया किसने लॉन्च किया? तो सही ऑप्शन होगा हमारा दुर्गा शंकर मिश्रा ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस देश ने निजी ट्यूटर्स को ऑनलाइन कक्षाओं से प्रतिबंधित किया है? सही है, सही आंसर चीन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, किस देश ने अपने पहले राष्ट्रीय प्रलय स्मारक का अनावरण किया? आंसर होगा हमारा नीदरलैंड ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए म्यूजियम बस शुरू की है? तो यह की है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, दिल्ली ने। अगला क्या दिया है, ट्यूनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया? तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जजला बोडम रोमदाने ने। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो सही ऑप्शन होगा हमारा दिल्ली को, लाइफ संस्थाने, दिल्ली लाइफ संस्थान को यह पुरस्कार दिया गया है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2500 क्वेश्चन है दोस्तों, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों यह हमारा कोफी रेनिंग। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप पुरस्कार की वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे सारे पुरस्कार आपको कराए गए हैं। तो दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए, और जो भी चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।